हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितुस कॉर्नर। मेरी आज की रेसिपी है मैंगो बर्फ़ी। मैंगो बर्फ़ी बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंगो बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो आम लिए हैं, जिन्हें मैंने छीलकर मोटा मोटा काट लिया है। बर्फ़ी बनाने के लिए आम को एक मिक्सिंग जार में डालकर पीस लेंगे। जब भी आप मैंगो बर्फ़ी बनाएं, आम अच्छी तरह पका हुआ और मीठा ही लें। अगर आम अच्छा ज़्यादा मीठा नहीं होगा तो उसकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी, 1 बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई। इन सब चीज़ों का एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आम का बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। अब बर्फ़ी बनाना शुरू करने से पहले हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। एक बाउल में मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप दूध डालते हुए हम इसको अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इसका बिल्कुल पतला पेस्ट बना लेना है। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1 कप दूध का यूज़ किया है। अब एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेकर उसमें ये मैंगो का पल्प निकाल लेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए डालूंगी मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस, थोड़ा सा इलायची पाउडर। वनीला एसेंस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको वनीला एसेंस या कोई भी एसेंस नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, या वनीला एसेंस की जगह कोई और एसेंस डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें ये जो हमने कॉर्नफ्लोर का और दूध का पेस्ट बनाया था ये मिलाएंगे। दूध और कॉर्नफ्लोर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसे गैस पर रखने से पहले हम बाकी की तैयारी भी कर लेंगे, ताकि बर्फ़ी तैयार होते ही हम फटाफट जमा सकें। कोई भी एक स्टील की प्लेट लेकर इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और इसे हाथ से पूरी प्लेट में फैला देंगे। इस तरह से एक प्लेट ग्रीस करके पहले ही रख लेंगे। साथ ही मैंने यह थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, बर्फ़ी भूनेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कढ़ाई को गैस पर रखकर गैस ऑन करेंगे। और इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। स्टार्टिंग में 1 मिनट के लिए हम गैस तेज रखेंगे, जैसे ही मैंगो पल्प गर्म हो जाएगा उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। मैंगो पल्प गर्म होना शुरू हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे पकने देंगे। मैंगो पल्प को चलाते टाइम चम्मच को पूरी कढ़ाई में और बिल्कुल तली तक अच्छी तरह से घुमाएंगे, वरना नीचे से इसमें लम्स बन जाएंगे और ये तली में चिपक भी सकता है। धीरे धीरे मैंगो पल्प गाढ़ा होना शुरू हो गया और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया।
अभी हमें इसे ऐसे ही थोड़ी देर और पकाना है। मैंगो पल्प को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए काजू डालूंगी, साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डालूंगी। घी डालकर हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। आम का मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया और इसमें साइड में से किनारों से घी भी छूटना शुरू हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को जो हमने प्लेट घी लगा के रखी थी उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मिक्सचर को प्लेट में ट्रांसफ़र करके इक्वल फैला देंगे। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब बर्फी को सेट होने के लिए 1-1.5 घंटा ऐसे ही छोड़ेंगे। बर्फ़ी को रखे हुए 1-1.5 घंटा हो गया है। बर्फ़ी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब हम इसे अपने मनपसंद पीसेस में काट लेंगे। बर्फ़ी को काट कर इस तरह से अलग निकाल लेंगे। मैंगो बर्फी सर्व करने के लिए रेडी है।